एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जो कि हमारे जेबी का सेकंड पेपर होता है, उसी का एक और केस स्टडी देखेंगे। और ये केस स्टडी आपका असेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर है, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी। आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट इस फॉर्म में दिया है और आप उस बेसिस पे आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए रीड करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ऐसे लाइन होती कि एक्स वाई जेड कंपनी का आपको ये डेटा गिवन है, तो क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं देख लेते हैं। पहला हमारा इन्वेंट्रीज़, इन्वेंट्रीज़ है 50,000 रुपये का। इस कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड और इसकी इन्वेंट्रीज़ है 50,000 रुपये। अभी इन्वेंट्रीज़ का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज़ का मतलब है जो भी रॉ मटेरियल है वो इन्वेंट्रीज़ में आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक इन प्रोसेस और फिनिश गुड, ये सारा हमारा इन्वेंट्रीज़ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी क्या करेगी, जो भी जैसे रॉ मटेरियल रखा है किसी कंपनी का या सेमी फिनिश गुड्स हैं, मतलब जो आधे बने हुए हैं, वो भी पूरा बना नहीं है। फिनिश गुड्स क्या होता है? वो पूरा गुड्स बन के रेडी हो गया है। जैसे कोई खिलौना बना रहे हैं, खिलौने वाली कंपनी है, तो पूरा खिलौना तैयार है, तो हो गया फिनिश गुड्स। और अगर सिर्फ आधा खिलौना बनाया अभी, उसमें थोड़ा और काम बाकी है, तो वो होगा सेमी फिनिश गुड, ठीक है। तो उन सबको मिला के, और खिलौना बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होता है और भी कुछ चीज़ों की, रबड़ की ज़रूरत होती है, तो वो सब हमारा रॉ मटेरियल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को मिला के बोला जाता है इन्वेंट्रीज़, क्योंकि रॉ मटेरियल यानी आपने अगर प्लास्टिक लिया तो उसका कुछ कीमत है, और रॉ मटेरियल मतलब आधा खिलौना है उसकी भी कुछ वैल्यू है, कुछ कीमत होगी उसकी, और पूरा जो खिलौना है उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबको मिला के एक टर्म दिया जाता है, उस टर्म को बोला जाता है इन्वेंट्रीज़, ठीक है। तो उन सभी को बोला जाता है, तो वो इन्वेंट्रीज़ क्या होगी हमारी? 50,000 रुपये की इस कंपनी की है। तो इन्वेंट्रीज़ क्या होती है? कंपनी के लिए हमेशा करंट असेट्स होती है। ये जो वर्ड होता है ना करंट, करंट वर्ड का मतलब होता है ये असेट हमारे पास कम टाइम के लिए रहेगी, बहुत जल्दी या तो हम इसको बेच देंगे या इसको हम खर्च कर देंगे या ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम होता है करंट असेट। एक होता है फिक्स असेट। फिक्स असेट मतलब इसको हम अभी नहीं ख़त्म कर सकते, ये लॉन्ग टर्म तक हमारी चलती रहेगी। एग्जाम्पल, कंपनी की मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ऐसे ही मशीन, खिलौना बनाने वाली मशीन है, और वो ज़मीन के साथ प्रॉपर उसको सीमेंट से अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फिक्स असेट। क्यों? क्योंकि वो मशीन जो ज़मीन के साथ अटैच है, जिसको आप प्लांट नाम दे रहे हैं कि प्लांट सेटअप किया है, तो उसको हम सिर्फ एक साल में ख़त्म नहीं कर देंगे, उसको हम लंबे टाइम तक यूज़ करते रहेंगे। क्या पता मशीन 15 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, हमें नहीं पता। तो डेफिनेटली जो चीज़ करंट असेट्स नहीं है उसको हम बोलेंगे फिक्स असेट, ठीक है। और ये जो वर्ड होता है ना असेट, इस असेट का मतलब है जो चीज़ हमारी है, जो जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके हम मालिक है। असेट के बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन होती है, जिस चीज़ के हम मालिक है वो भी असेट होगा, ठीक है। जिसके हम ऑनर है, जो चीज़ हमारी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारा असेट है। हमारे पास, हमने एडवांस में कुछ पे कर दिया है, मान लीजिए आपने एडवांस में कोई पैसा है 2 महीने का, आपने किसको एडवांस पहले दे दिया, वो पैसा आपको देना नहीं था, आपने पहले से एडवांस में पे कर दिया, तो वो भी आपका करंट असेट रहता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि जब भी हम एडवांस में कुछ पे कर देते हैं तो वो भी हमारा करंट असेट्स रहता है। या तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा है जिसके हम मालिक हैं, कोई सामान हमारे पास है उसके हम मालिक हैं, तो वो भी असेट होता है। और फ्यूचर में भी कुछ पैसा हमारे पास आने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं रिसीवल, मतलब पैसा रिसीव होने वाला है। कहाँ से रिसीव होगा? ये भी हो सकता है हमने जो खिलौने बनाए थे ना, तो उसको हमने बेचने के लिए होलसेलर को ऐसे दिया था, तो हमने उसको उधार पे दिया था। होलसेलर वाले ने बोला मैं इसको बेचूंगा खिलौने को, तब मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं आपको दूंगा, मतलब आपकी कंपनी को दूंगा, वो आपको ऐसे बोल रहा है, तो वो आपके लिए रिसीवल हो गया। क्यों रिसीवल हो गया? क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। मान लीजिए 50,000 के खिलौने थे, तो वो 50,000 का खिलौना उसने बोला मैं 3 महीने का, मेरे को आप टाइम दीजिए, 3 महीने में मैं खिलौने बेच के, मतलब होलसेलर को बेच के, मैं आपका पैसा 3,000 जितना भी 50,000 है 3 महीने में दे दूंगा, तो वो होता है रिसीवल। उसको हम बोलते हैं करंट असेट। क्यों? जब तक आपको मेंशन ना किया गया हो लॉन्ग टर्म रिसीवल, मतलब ऐसे भी हो सकता है किसी जिसको आपने सामान बेचा है, कोई आप डीलर कुछ भी बोल लीजिए, तो उसके साथ आपकी बहुत लंबी अच्छी खासी लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, अच्छी खासी पार्टनरशिप हो लंबे टाइम से, कि आप बहुत सालों से उसको अपना खिलौना दे रहे हो, तो आप उसको लंबा टाइम भी दे सकते हो कि ठीक है, वो बोलेगा मेरे को 1 या 1.5 साल का टाइम दे दो, मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म असेट, ठीक है। और सिर्फ रिसीवल मेंशन है, लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका मतलब करंट असेट। दो ही होते ना, या तो करंट होगा, यानी करंट क्या होता है शॉर्ट टर्म या विद इन अ ईयर, मतलब 1 साल तक का होता है हमारा करंट असेट, और दूसरा होता है फिक्स्ड, या आप लॉन्ग टर्म बोलिए, तो फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, जो 1 साल से ज़्यादा हो। तो जब तक आपके रिसीवल के सामने, नाम के आगे, रिसीवल के आगे जब तक लॉन्ग टर्म ना लिखा हो, तो हम मान के चलें कि बाय डिफॉल्ट ये शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा करंट असेट रहता है। चलिए, ये हमने बता, ये बेसिक हमने देख लिया। सेकेंड हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है कि हमें पैसा किसको पे करना है, ये होता है हमारा करंट असेट, सॉरी करंट लाइबिलिटी। कैसे पता लगा करंट लाइबिलिटी है? पहली बात, करंट लाइबिलिटी को जानने के लिए हमें लाइबिलिटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है हमें किसी को पे करना है, हमने किसी से उधार लिया वो हमें पे करना है। जब तक यहाँ पे लिखा नहीं होता लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, तब तक ये क्या माना जाएगा, ये शॉर्ट टर्म वाला पेबल है, मतलब हमें 1 साल के अंदर अंदर इस पैसे को पे करना है। अब ये ट्रेड पेबल ये आता कहाँ से?
हमने किसी को अपना सामान उधार पे लिया है, हमें किसी ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मैंने एग्जांपल दिया कि प्लास्टिक से हम कुछ खिलौने बना रहे हैं, तो प्लास्टिक जिस जो हमारे सप्लायर है जिसने हमें प्लास्टिक सप्लाई किया उनसे हमने उधार में लिया कि आप हमें 4 महीने के लिए प्लास्टिक उधार दे दो, फिर हम खिलौने बना के बेचेंगे, पैसा आएगा तो हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ट्रेड पेबल, मतलब हमें पे करना है, नाम से पता लग रहा ना, ट्रेड पेबल। और रिसीवेबल क्या होता है, हमने आगे सामान बना के होलसेलर वाले को, अपने जो डीलर हैं जो हमसे सामान ले रहे हैं, फिनिश गुड ले रहे हैं, उनको उधार पे दिया तो होता है रिसीवेबल, क्योंकि वो हमें पैसा देंगे। और हमने अगर उधार पे लिया तो उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल, और जो चीज़ हमने उधार में ली है वो हमेशा लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तक लॉन्ग टर्म ना लिखा हो तब तक हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, मतलब हमने शॉर्ट टर्म के लिए उधार में लिया प्लास्टिक रॉ मटेरियल अपने ट्रेडर से, तो हम मान के चलेंगे कि विद इन अ ईयर या फिर 5 महीने 7 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में हम उनका पैसा वापस कर देंगे। तो इसीलिए ये होता है हमारा करंट लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है लॉन्ग टर्म, और जब लिखा नहीं होता लॉन्ग टर्म तो हम उसको बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म ही मान के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। साफ साफ लिखा है कि छोटे टाइम की बोरोइंग है, तो बोरोइंग मतलब हमने उधार लिया है, तो जो उधार है वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। और शॉर्ट टर्म नाम से पता लग गया करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी मैंने क्या कहा था, जो चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए वो करंट हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ये लायबिलिटी है ना, बोरोइंग माने हमने उधार लिया, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, ये शॉर्ट टर्म रहता है, तो वो होगी हमारी करंट लायबिलिटी। करंट कैसे पता लगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब ही करंट होता है, ठीक है, विद इन अ ईयर। और बोरोइंग मतलब उधार लिया, तो इसीलिए ये असेट नहीं लायबिलिटी है हमारे लिए। चलिए लेफ्ट साइड का हमने देख लिया, राइट भी देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल सेम वैसे ही, ट्रेड पेबल क्या था कि हमने रॉ मटेरियल किसी से उधार लिया था, उसको हमें पैसा देना था, ठीक है, तो ये होगी लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमने अपना बना हुआ खिलौना फिनिश गुड किसी आगे अपने डीलर को, जो हमसे गुड्स लेके गए, उन्होंने बोला 3 महीने बाद देंगे, उनको हमने उधार में दिए, ये है हमने उधार में प्लास्टिक खरीदा है, वो हो गया ट्रेड पेबल, वो हमें वापस करना उनका पैसा। ट्रेड रिसीवेबल है हमने प्लास्टिक से जो खिलौने बनाए, उन जो डीलर है जिन्होंने हमसे खिलौने खरीदे उनको हमने उधार में दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमने उधार दिया है और इसमें हमने उनसे उधार लिया है, ठीक है। या ये बोले इनसे हमने क्रेडिट पे लिया और इनको हमने क्रेडिट पे दिया है, क्या पैसा कि पैसा नहीं और सामान क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ये हमें पैसा देंगे, और जब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेंशन नहीं है तब तक क्या मान के चलेंगे, ये शॉर्ट टर्म है। और मैंने कहा था रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, तो ये क्या हो गया, असेट ना, पैसा आपके पास है या पैसा आपके पास आने वाला है या एडवांस में आपने किसको पैसे दे दिए, तो उन सभी को हम असेट्स बोलते हैं। अभी लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा वो हमें टाइम देख के पता लगेगा, अगर विद इन अ ईयर की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, तो वो शॉर्ट टर्म होगा, जिसको हम करंट नाम से लिखते हैं ना, करंट असेट है करंट लायबिलिटी, और जो एक साल से ज़्यादा है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है। तो ट्रेड पेबल के आगे लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं लिखा तो मान के चलेंगे करंट है, और करंट क्या, असेट या लायबिलिटी, तो हमें पता लगेगा रिसीवेबल से, रिसीवेबल मतलब हमें पैसा मिलने वाला है। आप इस टर्म से भी समझ सकते हैं, रिसीव मतलब कुछ रिसीव होने वाला है, कुछ रिसीव मतलब पैसा आने वाला है, आने वाला हो या आ गया हो तो उन सबको हम असेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो करंट तो हमें समय में आ गया, किस वजह से, क्योंकि लॉन्ग टर्म कुछ मेंशन नहीं है, और असेट इसलिए क्योंकि पैसा आने वाला है। तो ये हो गया हमारा 50,000 का करंट असेट। एडवांस टैक्स, ये मैंने आपको कहा था ना, आपने एडवांस पे अपना टैक्स पे कर दिया, कुछ भी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी बिजली का बिल या अपना मोबाइल बिल, कुछ भी आप एडवांस में पे करते हैं, फ्यूचर की कोई भी आपकी जो खर्चे हैं ना, फ्यूचर के जो एक्सपेंस है उसको आप पहले से पे कर देते हैं, तो वो हमेशा आपका करंट असेट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसको क्या मानते हैं, करंट असेट मानते हैं। कितना हो गया आपका ये एडवांस टैक्स, ये हो गया 4,000 का, ठीक है। तो असेट में हमें साफ समय है, यह चीज़ हमारे पास है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और या पैसा हमारे पास ऑलरेडी है या पैसा हमारे पास आने वाला है, या फ्यूचर का पहले से कोई खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया, जैसे इनकम टैक्स या स्कूल फी हमने एडवांस में दे दी, बिजली का बिल, सैलरी हमने एडवांस में पे कर दिया, तो वो सारा अमाउंट क्या होगा, वो सब होगा हमारा करंट असेट, ठीक है। वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये होता है करंट असेट, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करेगा ना, अपना 10 साल का बिजली का बिल एक बार में पे करेगा, 10 साल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का एडवांस में कर देते, तो इसीलिए 1-2 महीने है तो उसको हम करंट असेट ही बोलते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं बोलते। अगर स्पेशली मेंशन किया गया लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ, तब भी आप उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे, वरना आप उसको करंट ही मान के चलेंगे। चलिए लास्ट रह गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब वो चीज़ें जो कैश के बराबर ही होती है, या फिर आप कैश बोल सकते हैं। तो इन सब में क्या आ गया आपका, 30,000 रुपये, ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट असेट्स होते हैं, क्योंकि कैश आपके पास अभी है ना, उसको आप खर्च कर देंगे, आपका कंपनी है तो कंपनी में कितने खर्चे होते हैं, वेजेस पे करना है और सामान खरीदना है, कितनी चीज़ें होती है। तो कैश को आप कभी ये नहीं मान के चल सकते कि कैश कंपनी में रखा और उसको आपने 10 साल के लिए संभाल के रखा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो खर्च हो ही जाता है। तो चलिए ये भी हमारे करंट असेट में आ गया, इधर का हम पूरा टेबल समझ चुके हैं। अभी इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट असेट, करंट असेट आपको कैलकुलेट करना है। तो करंट असेट में वो चीज़ें आ जाएंगी जो आप 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जो चीज़ आपके पास लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। असेट मतलब हम उसके मालिक है, वो चीज़ हमारी है या हमारे पास आने वाली है और 1 साल के अंदर अंदर आने वाली है, ये या ये बोले 1 साल के अंदर अंदर उसको हम खत्म करेंगे। जैसे इन्वेंट्रीज,
सामान रखा पड़ा है। कोई भी कंपनी ये मान के चलती है जब तक मेंशन ना हो लॉन्ग टर्म, तब तक आप मान के चलेंगे कि ये सेमी फिनिश है, ये प्लास्टिक या प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल है ये सेमी फिनिश है, फिनिश ये फटाफट से हम बेच देंगे, बना बना के फटाफट से सामान बना के बेच देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, तो इसलिए ये करंट असेट है। सेकेंड ट्रेड रिसीवल, मतलब रिसीवल मतलब पैसा आने वाला है, अगर आने वाला है तो ये हो गया हमारा असेट। और ट्रेड मतलब ये कौन से वाले, ये वो है जिसको हमने उधार में अपना प्लास्टिक का बना हुआ खिलौना उधार पे दिया है, ठीक है। 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमें पैसा दे जाएंगे। जब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ना लिखा हो तब तक हम मान के चलेंगे 2-4 महीने या विद इन ईयर, मैक्सिमम विद इन ईयर की बात हो रही है। तो चलिए इसी वजह से ये भी करंट असेट है। तीसरा एडवांस टैक्स, तो मैंने बोला ना आपने अपना एडवांस का टैक्स पे कर दिया, वो 4 महीने का 1 साल का जैसे ज़्यादा, इसीलिए एडवांस टैक्स आपका करंट असेट में आ गया। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर की चीज़ें या कैश जो है ये सबको आप मान के चलते हैं कि आप उसको अभी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चेक है आपके पास, डीडी है, वो सब हमारा कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। और कैश तो आप जानते हैं ना पैसा आपके पास रखे, तो इसको आप फटाफट से विद इन ईयर मैक्सिमम आप इसको खर्च कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे करंट असेट में आती है, जो भी हमें लिस्ट दिया है उसमें से ये सारी चीज़ें ही करंट असेट में आती है। तो सारा आपको कितना दिया, देखिए इन्वेंट्रीज है 50,000 का, ये लिखा हमने। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल कहाँ है ये ना, ये भी 50,000 का। तीसरा एडवांस टैक्स, कितना पे किया आपने, 4,000 का एडवांस टैक्स किया तो 4,000 आ गया। लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आपका ये 30,000 का। 50-50 हो गया 1,00,000, 1,00,000 में 4,000 ऐड किया तो 1,04,000, 1,04,000 में 30,000 ऐड किया तो आ जाएगा 1,34,000, ठीक है, 1,34,000। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड देख लेते हैं। अभी आपको पूछा है करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है, कि करंट असेट तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे। तो करंट वर्ड का मतलब विद इन अ ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर आप बोल सकते हैं या 1 साल से कम, ठीक है, क्या मैक्सिमम 1 ईयर। तो मैक्सिमम 1 ईयर का मतलब होता है करंट, और लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमें पे करना है, हमने जो उधार लिया ना उधार का पैसा आपको वापस करना है, ठीक है, तो वो होती है हमें लाइबिलिटी, जो हमें वी हैव टू पे, जो हमें वापस करना है, जो भी हमने उधार लिया है हमें वापस करना है, या हमने किसी से सामान उधार लिया है, कुछ भी उधार लिया वो हमें पे करना है, तो वो सब क्या आता है हमारा लाइबिलिटी में आता है। चलिए क्या क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, जो जो आपको ऑप्शन गिवन है, देखिए इन्वेंट्रीज क्या होता है, इन्वेंट्रीज हमारा करंट असेट होता है। ट्रेड पेबल, देखिए ये ट्रेड पेबल हमारा लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये हमने ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं, हमने प्लास्टिक या बोलिए रॉ मटेरियल खिलौना बनाने के लिए उधार में लिया है, ठीक है। पेबल मतलब हमें पे करना है, नाम से भी पता लग रहा है, पेबल मतलब हमें पे करना है, वी हैव टू पे, वही तो डेफिनेशन था लाइबिलिटी का। तो ट्रेड पेबल आ जाएगा एक तो हमारा करंट लाइबिलिटी में, और जब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल ना लिखा हो तब तक हम मान के चलेंगे कि हमें 2-4 महीने या मैक्सिमम 1 साल में ही जो हमने उधार का सामान लिया ना, उधार का रॉ मटेरियल, तो मैक्सिमम 1 ईयर में हमें पे करना है, तो इसीलिए हमारी करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्या आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि आपने बैंक से उधार लिया है, बैंक जो ओवरड्राफ्ट है ना 4,000 का, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, विद इन अ ईयर को बोलते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। तो 1 साल के अंदर अंदर आपका बैंक से लोन लिया है, जो भी आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, तो वो 4,000 रुपये आपको पे करना है, तो ये भी आपकी होगी करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो सेकंड हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी होगी हमारी करंट लाइबिलिटी। और नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवल, रिसीवल मतलब पैसा आने वाला, ये हो गया असेट। एडवांस, एडवांस आप कुछ भी पे कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा करंट असेट। नेक्स्ट है कैश, कैश कभी भी खर्च हो जाता है, कैश हमारा है, उसके हम मालिक है, उसको हम जब जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, वो भी होता है हमारे करंट असेट, ठीक है। तो ये सब हमारे करंट असेट्स हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। इन्वेंट्री भी हमारी करंट असेट्स होती है, ये हमारा सामान ही तो है, इन्वेंट्री हमारे पास रखा हुआ है सेमी फिनिश, वो सब हमारा सामान है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम आगे सामान बना के बेचेंगे, विद इन ईयर बेच देंगे, ठीक है। तो ये सब करंट असेट है। तो करंट लाइबिलिटी में बस ये 2 ही है, कौन से 2 है, जो जो हमें ऊपर दिया डेटा उसके हिसाब से सिर्फ 2 ही करंट लाइबिलिटी, तो ट्रेड पेबल और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ट्रेड पेबल था 1,00,000 का, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना था, देखिए वो था 4,000 का, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको विद इन ईयर आपको पे करना है। तो जो भी शॉर्ट टर्म है उसके अलावा एक करंट वर्ड है उसको ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए 1,00,000 में अगर 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1,04,000। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको क्विक असेट्स बताने, क्विक असेट एक तो होता है करंट असेट, करंट असेट में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्विक असेट मतलब जो करंट असेट से भी ज़्यादा क्विक हो, मतलब जिसको हम फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो क्विक असेट वो वाला असेट होता है जो कैश में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कैश में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट टू कैश ईजिली, उसको बोलते हैं क्विक असेट। तो देखिए करंट असेट्स में से कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी तभी हमारे पास क्विक, क्योंकि करंट असेट में तो बहुत चीज़ें आ गई ना,
करंट असेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, पर हाँ विद इन अ ईयर होगी, तो इसलिए हमने उसको करंट असेट में रखा। पर क्विक असेट मतलब जो बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, करंट असेट में से जो इन्वेंट्रीज है मतलब जो रॉ मटेरियल हमारे पास रखा है या सेमी फिनिश या फिनिश कुछ, तो उसको भी हम बेचेंगे। अभी रॉ मटेरियल का सामान बनेगा या जो आधा सामान बना है, जो आधा खिलौना बना है वो भी पूरा बनेगा और फिर बाद में एक साथ बिकेगा, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इन्वेंट्री को कभी भी क्विक नहीं बोलते, तो इन्वेंट्रीज को हमेशा हटाते हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। जो आपने एडवांस को टैक्स पे कर दिया तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते ना। करंट असेट क्विक का मतलब है बहुत ईजिली आपके पास अवेलेबल है, आप बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो जो आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया वो होता तो हमारा करंट असेट है, पर जो पैसा गया सो गया। हाँ, दो चार महीने बाद हमारी लायबिलिटी आती तब का वो हमने एडवांस में पे कर दिया, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने एक बार टैक्स पे कर दिया तो वो भी गया, ऐसा नहीं कि उसको क्विकली हम जब चाहे उस पैसे को वापस ला के अपना वापस ट्रांसफर करवा के उसको यूज़ कर पाए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इन्वेंट्री का भी कोई भरोसा नहीं कब वो सामान बनेगा कब वो बिकेगा, और सेम ऐसे एडवांस टैक्स का भी नहीं पता, मतलब एडवांस टैक्स तो वापस आना ही नहीं है हमारा, दो महीने बाद का या छः महीने बाद का टैक्स हम पहले से पे कर चुके हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये जो एडवांस टैक्स है इस पैसे को हम क्विकली यूज़ नहीं कर सकते, फटाफट से कैश में कन्वर्ट करके उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये दो चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी, किसमें से, करंट असेट्स में से हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, करंट असेट कितना था हमारा, हमने क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर वन में था करंट असेट कितना आया था, 134,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 134,000 था हमारा क्वेश्चन नंबर वन का, ये है क्वेश्चन नंबर वन का, उसमें से इन्वेंट्रीज और एडवांस टैक्स को हटा देंगे। इन्वेंट्रीज कितने का था, 50,000 का, और एडवांस टैक्स कितने का, 4,000 का पे किया था ना। चलिए 134,000 में से आप 54,000 हटा देंगे ना, 50,000 से 4 होता है 54, तो 134,000 में से आप 54,000 हटाएंगे तो आ जाएगा 80,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्विक असेट। तो डिफरेंस हम आया, जो करंट असेट है उसमें तो इन्वेंट्रीज ये सब भी चीज़ें आ जाती है जो विद इन ईयर, क्योंकि करंट असेट में एक साल के अंदर का देख लेते हैं कि एक साल के अंदर का जो था उसको हम देखते हैं, लेकिन क्विक में हम क्या देखते हैं, क्विक मतलब बहुत क्विकली वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम यूज़ कर सकें। तो ये चीज़ें इन्वेंट्रीज और इन दोनों के साथ नहीं है, तो इसलिए इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। चलिए ये हो गया दो, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, इसका आंसर हो गया 80,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसे हमें बताना है करंट रेशो। करंट रेशो आपका आता है, करंट रेशो आपका जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो चैप्टर नंबर 15 है ना, इस रेशो के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको दो वीडियो बनाई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 का आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉड्यूल बी का आपका चैप्टर 15 जो रेशो वाला है, तो उसका एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपका रेशो के ऊपर ऑलरेडी दो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की है, ठीक है। रेशो के ऊपर ऑलरेडी आपकी दो वीडियोस है जिसमें मैंने रेशो के जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, मतलब न्यूमेरिकल तो बुक में नहीं दिए, मैंने अलग से ऐसे ही और केस स्टडी रखा न्यूमेरिकल टाइप आपको बताया, तो वो दो वीडियोस पहले से आपके लिए अवेलेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मेरे को कमेंट्स आए थे कि जो बुक की थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो काफ़ी सारे कमेंट हो गए थे, तो मेरे को लगा अब थ्योरी भी बता देते हैं, वैसे इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। फिर जो थोड़ा बहुत थ्योरी था तो वो मैंने मैकमिलन बुक से भी लेटेस्ट वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, ठीक है। वो भी आप देखिए, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी अकाउंट्स वाली। और साथ में आपकी जो ये रेशो वाला जो चैप्टर है ना आपका अकाउंट्स का, तो उसी वाले जो मैकमिलन बुक है उसी में चैप्टर नंबर 15 के लास्ट में एक उन्होंने केस स्टडी टाइप से 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन, तो वो वाला भी मैंने आपको न्यूमेरिकल टाइप है, बोला न्यूमेरिकल थ्योरी मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो वो मैंने विद कंसेप्ट आपको समझाया, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला बुक से मैंने आप लोगों के लिए पार्ट अपलोड किया, आप वो वीडियो देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 15 को लेके प्रॉपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बताया, इस चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, इसीलिए मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी रखा है। तो चलिए, करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो क्विक रेशोस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करंट रेशो के लिए हमें एक फॉर्मुला याद रखना होगा, वो है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट कितना है ये हमने क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व किया, और करंट लायबिलिटी कितना है ये हमने क्वेश्चन नंबर टू में सॉल्व किया, देख लेते हैं। देखिए करंट असेट क्वेश्चन नंबर वन का कितना, 1,34,000, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन नंबर टू में ना 1,04,000। चलिए आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो 1,34,000 हमने क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व किया था, और 1,04,000 हमने क्वेश्चन नंबर टू में सॉल्व किया। कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देना, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो 1,34,000 को आप 1,04,000 से डिवाइड करेंगे, सिंपली आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, आपका जो एग्जाम में जाते हो ना, तो नॉर्मल जो विदाउट जो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 1.29। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करंट रेशो कितना हो गया, 1.29:1। चलिए एक और देख लेते हैं, अब ये हमें क्या सॉल्व करना है, क्विक रेशो सॉल्व करना है। क्विक रेशो क्या होता है,
जैसे करंट रेशो होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वैसे ही क्विक रेशो भी होता है क्विक असेट। ठीक है, करंट रेशो है तो नाम ऊपर क्या रखेंगे, करंट असेट को रखेंगे, लेकिन अगर क्विक रेशो है तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे क्विक असेट को। ठीक है, डिनोमेटर में आपका सेम रहेगा करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। तो क्विक असेट हमने शायद क्वेश्चन नंबर 4-3 में सॉल्व किया ना। देखिए क्विक असेट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया जो था 80,000, और करंट लाइबिलिटी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया जो कि था 1,04,000। बस कुछ नहीं करना, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमें बस वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है, कितना हमारा क्विक असेट, क्विक असेट हमारा 80,000, और करंट लाइबिलिटीज कितना है आपका 1,04,000। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करनी, इसके बाद हमें क्या करना है, इनको आपस में डिवाइड करना है। कैलकुलेटर आपके पास है, ये 3 जीरो आपकी वैसे ही कैंसिल हो गई है, तो 80 को आप 104 से डिवाइड करेंगे ना अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.77। सो क्या हो गया हमारा आंसर, क्या आ गया 0.771। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए इसके साथ आपका ये वाला जो केस स्टडी है ये कंप्लीट हुआ, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ टाइप का केस स्टडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।